वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंटिन्यू। हेट्रोजीनियस मिक्सचर से हम कंस्टिट्यूएंट्स को, कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करेंगे, उसके मेथड कंटिन्यू है बेटा। वी नो इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैव क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। सो सेपरेशन ऑफ सच कंस्टिट्यूएंट्स इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज क्वाइट ईजी। इट कैन बी डन बाई फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, ग्रेविटी सेपरेशन एक्सेट्रा बेटा। वाइल इन केस ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैव नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। सो सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम होमोजेनियस मिक्सचर इज क्वाइट डिफिकल्ट। इट कैन बी डन बाई स्पेशल मेथड्स लाइक डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी एक्सेट्रा बेटा। लास्ट टाइम हमने पढ़ा बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को या कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट करने का मेथड बेटा, फिल्ट्रेशन। आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, अंडरस्टूड बेटा, फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं आजकल अब हम बेटे। तो क्वेश्चन है बेटा, नेम द मेथड यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर। निम्नलिखित मिक्सचर से को हम कैसे उसके कंपोनेंट को अलग करेंगे बेटा, उस मेथड का नाम लिखना है बेटा। फर्स्ट है बेटा क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से क्रीम को कैसे अलग करेंगे? बटर मक्खन को कर्ड, दही से कैसे अलग करेंगे बेटा? मिल्क इज सर्न। सर्न का मतलब होता है जैसे दूध को बिलोते हैं बेटा। टू सेपरेट माने अलग करना, क्रीम फ्रॉम इट। कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड का मतलब क्या है? जैसे मिल्क है बेटा, उस मिल्क के अंदर फैट भी होते हैं, मिनरल भी होते हैं, वाटर भी होते हैं, उनको अलग करना बेटा। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, कुछ इम्प्योरिटी ऐसी होती हैं जो डिजोल्व नहीं होती बेटा, अनडिजोल्व होती हैं, फ्रॉम लिक्विड। टू स्क्वींज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। इन वॉशिंग मशीन में हम जो गीले कपड़े होते हैं उनसे पानी को अलग कर देते हैं बेटा, ड्राई करते हैं जब। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज बेटा। तो इन सभी का बेटा एक ही आंसर है, क्वेश्चन वन है तो आंसर भी वन होगा, पार्ट 1-7 बेटा। इट कैन बी डन by the process of centrifugation beta, centrifugation or centrifugating machine beta, machine।
तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है बेटा, तो ध्यान से देखना बेटा। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन इसकी डेफिनेशन कहो या प्रिंसिपल, और बेटा प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन बेटा एक ही बात है बेटा, किसी तरह से भी क्वेश्चन आ जाए बेटा। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डेंसर कहो बेटा या हैवियर कहो बेटा, लार्जर कहो बेटा, बिगर कहो, दैट डेंसर पार्टिकल विल सेटल डाउन एट द बॉटम। तो बड़े पार्टिकल हैं वो तो बॉटम के ऊपर जमा हो जाएंगे बेटा, वाइल द लाइटर पार्टिकल जो हल्के हैं बेटा, लाइटर पार्टिकल विल स्टे, विल स्टे STAY बेटे एट द टॉप, टॉप पे बेटा व्हेन स्पिन रैपिडली, रैपिडली बेटा दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन बेटा। और कई बार सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन नहीं होती है बेटा, तो जैसे मिल्सर वगैरह है बेटा, टर्नर वगैरह यूज कर लेते हैं बेटे हम, पुराने समय में यूज करते थे, आजकल तो मशीन आई हुई है बेटा, दूध से जो हम दही बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, उसके लिए जो भी डबल टोन है, सिंगल टोन है, फुल क्रीम है, ये आप वहाँ जाके देख भी सकते हैं बेटा किस टाइप की मशीन होती है बेटा। तो इन सभी में बेटा जितने भी ये क्वेश्चन थे बेटा, क्वेश्चन का जो पार्ट थे बेटा, उन सभी का आंसर है बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, जनरली एग्जाम में आता है बेटा। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेम द मेथड यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर बेटा। पहला है बेटा कॉमन सोल्ट या बेटा सोडियम क्लोराइड, या बेटा अन्य सीएल फार्मूला आ जाए बेटा, एंड वोट। सेकेंड है बेटा कॉमन सोल्ट या सोडियम क्लोराइड या अन्य सीएल फ्रॉम सी वाटर, जो समुद्र का पानी होता है बेटा उसमें से कैसे अलग करेंगे बेटा। और हम क्वेश्चन देख सकते हैं बेटा, कॉमन सोल्ट एंड वाटर आ जाए, अन्य सील एंड वाटर आ जाए बेटा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आ जाए, अन्य सील एंड वाटर आ जाए, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एंड वोलाटाइल सोलवेंट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट अन्य सील नॉन वोलाटाइल है और वाटर है बेटा
वोलाटाइल सॉल्वेंट है एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट। बेटा देखो वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होता है बेटा, ए सब्सटेंस विच इज कन्वर्टेड इनटू वेपर और गैस एट स्टेबल टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर। इसी तरह से बेटा कॉमन सोल्ट फ्रॉम सी वाटर हमने लिख चुके हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सी वाटर आ जाए, एसीटोन बोटल, एसीटोन बोटल इज लेफ्ट ओपन, उसको हम खुला छोड़ देंगे बेटा, एंड द बोटल बिकम्स एम्प्टी, एंड द बोटल बिकम्स एम्प्टी। बेटा इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि उसके वेपर बन गए भाई। और बेटा कलर्ड कंपोनेंट, इसको डाई बोलते हैं बेटा, कलर्ड कंपोनेंट लिखें बेटा या बेटा डाई लिखें, एक ही बात है, फ्रॉम ब्लू इंक, ब्लू इंक बेटा। इसी तरह से बेटा कलर्ड कंपोनेंट या डाई फ्रॉम ब्लैक इंक बेटा, इंक बेटा। इन सभी क्वेश्चनों का एक ही जवाब है बेटा, इट कैन बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो इसको हम इवेपोरेशन से अलग करते हैं बेटा। तो देखो बेटा आंसर बेटा, सेकंड क्वेश्चन है ये, सिक्स पार्ट है बेटा, तो आंसर सेकंड 1, 2, 6 बेटा, इट कैन बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बेटा, ऑफ इवेपोरेशन, जिसका हम बार बार जिक्र कर चुके हैं बेटे पहले ही। तो इवेपोरेशन क्या है बेटा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स और गैस एट एनी टेम्परेचर इज नोन एज इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स और गैस एट एनी टेम्परेचर इज नोन एज इवेपोरेशन। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा, बार बार आपको कहते हैं बेटा कि आप रिवाइज करें, लिख लिख के देखें, मनन करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।